इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब रुकने पार्लिमान वो सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महाराष्ट्र जनाब आरिफ सैफी साहब उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मेरी इज्जतदार माँ और बहनों बुजुर्गों मेरे गयूर नौजवान साथियों और मेरे तमाम मजलिस के रुफ़का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर भी और यहां पर भी आप आज इस जलसे में शिरकत किए हैं और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहां जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम ने यह फैसला कर लिया है कि इस म्युनिसिपल वार्ड से इंशाअल्लाह यहां से आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना नया कॉरपोरेटर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों यहाँ पर 5 साल पहले आपने मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके पार्टी के एक उम्मीदवार को आपने वोट डालकर कामयाब किया था और आज आप देखते हैं कि इस ओखला के बल्दी हलके में यहाँ पर बेशुमार मसाइल है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री सारी दुनिया में कि जो हुकूमत जिसका मुख्यमंत्री है और उस पार्टी का म्युनिसिपल कॉरपोरेटर है उसने ओखला की आवाम को साफ पीने का पानी का इंतजाम नहीं किया, क्या वो आपके वोट डाल दिया जाता है? इसको भी हटाने का इंतजाम नहीं किया, बल्कि आप ये भी जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अबुल फजल एरिया में वहां पर भी एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया और रोड पर कचरा डाल दिया जाता है जिसकी बदबू से तमाम आवाम परेशान रहती है। एक और गार्बेज डंप यार्ड बना दिया गया अलशिफा हॉस्पिटल अबुल फजल एरिया में, यहां पर भी खुली मोहरियां हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या तकालीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ता। 2007 में ओखला में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का ऐलान हुआ और 2007 के बाद ऐसे 4 अस्पताल गैर मुस्लिम इलाकों में बन गए मगर ओखला में सरकारी अस्पताल अब तक नहीं बना और सरकार केजरीवाल की है और कॉरपोरेटर उन्हीं की पार्टी का है। शाहीन बाग में खुली ड्रेन है, रोड नहीं है बल्कि रोड पर खड्डे ज्यादा हैं। आप बताइए कि फिर 4 दिसंबर के दिन आप कैसे यहां पर उनको वोट दे सकते हैं? ओखला में अगर कोई अपने घर की तामीर करता है तो उसको रिश्वत देना पड़ता है, रिश्वत वर्दी वाले को भी देना पड़ता है और एमसीडी के लोगों को भी।
के लोगों को भी। तो कोई घर की तामीर नहीं कर सकता बगैर रिश्वत किए। और आप इस बात को जानते हैं कि एक बाजाबता एक रिसर्च हुई, स्टडी हुआ, उस स्टडी का नाम ये था कि अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन इंडिया एन एनालिसिस ऑफ नर्सरी स्कूल एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। मुस्लिम चिल्ड्रन हु अप्लाई टू प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स इन दिल्ली एट नर्सरी लेवल, ओनली लेस देन 3% ऑफ चिल्ड्रन गॉट एडमिशन। माने ये स्टडी हुई है जिसमें साबित कर दिया गया कि जो लोग ओखला से अपनी बच्चियों को और बेटियों को और बेटों को नर्सरी लेवल पर स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो सिर्फ 3% मुसलमानों को एडमिशन मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश है कि मजलिस को बाजू रखिए, मगर आप एक ऐसे आदमी को, ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करना है जो ये ठोकरा आज से मदरसा रैली हदीस मस्जिद के सामने से जो कचरे का गार्बेज का डंप है उसको हटा सके, अलशिफा हॉस्पिटल के सामने जो गार्बेज का डंप है उसको हटा सके, खुली मोहरियों का काम करवा सके, साफ पीने का पानी आपको मुहैया करा सके, अस्पताल को तामीर करवा सके। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक से काम नहीं होता है, अस्पताल की एक अहमियत है, इसकी स्पेशलिटी होती है। ये मुद्दे आपके हैं, ये आवाम के हैं, इस पर आप अगर एक मुस्बित फैसला आप लेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप 4 तारीख के दिन पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अपने अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात कि यहां पर आपने असेंबली में और इस वार्ड में आपने छोटे रिचार्ज की पार्टी को कामयाब किया, और आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से अगर लंबा लंबा फेंकने का अगर कॉम्पिटिशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पे आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। ये यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब यहां पर फसाद हुआ, तो फसाद जब हो रहा था एक स्टेटमेंट दिखा दो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो फसाद को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनल राइट को रोकने के लिए था। ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग लग गई तो ये बजाय उस आग को बुझाने के ये बुजदिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर जाकर महात्मा गांधी के समाधि के पास बैठ गया अपने मंत्रियों को लेकर। अरे अगर गांधी का तू भक्त था तो तू आता इस इलाके में तो सब समाज के पास जाकर तुम कहते कि भाइयों शांति को बरकरार रखो, ये नफरत ठीक नहीं है, मगर ये मुख्यमंत्री उस दिल था भाग गया। यही मुख्यमंत्री था जब शाहीन बाग का आपने तारीखी एहतजाज किया जिसमें आपके एहतजाज से सारे मुल्क के लोगों को एक नई कुव्वत मिली, एक नई तवानाई मिली। यही मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने कहा था अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में खत्म कर देता। केजरीवाल अगर तुझ में हिम्मत नाम की चीज नहीं है तो बुजदिल है, अगर हिम्मत है तो आजा चुनाव से पहले ओखला में बता तूने ओखला के लिए क्या किया। शाहीन बाग को आता तो हमारी वो बुजुर्ग माए तुझे हाथों हाथ दे लेती, तो इसलिए नहीं आया यहां पर। आओ मुख्यमंत्री केजरीवाल, आओ ओखला को, आओ
आकर रिपोर्ट दो तुम्हारी कि तुमने ओखला में क्या किया। चुनाव से पहले आकर दिखाओ कि तुम्हारा कॉरपोरेटर जिसको तुमने कॉरपोरेटर बनाया उसने ओखला की आवाम को कैसे धोखा दिया। जब उसका नेता धोखा देता है तो उसका छोटा भी धोखा देगा। तो ये दोनों मिलकर धोखा दिए हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब कोविड की पहली वेव चल रही थी तो उस वक्त ये पहला शख्स था पूरे भारत में जिसने अपनी नफरत की वजह से, अपने जहनी छोटेपन की वजह से, ये पहला शख्स था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। सारी दुनिया में कोविड फैला, चाइना से शुरू हुआ, पूरे दुनिया के मुल्कों में फैला, मगर ये वाहिद केजरीवाल था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी सुपर स्प्रेडर मुसलमानों पर डाल दी और कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट आती थी कि कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने टेस्ट हुए, तो उसके बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर। आप बताइए इसकी जहनियत क्या है इस मुख्यमंत्री की कि बैठकर मुसलमानों को बदनाम किया तबलीगी जमात का नाम लेकर। अगर आज भी कोई ये कहता है कि केजरीवाल सेक्युलर है तो पूछो उस सेक्युलर आदमी से कि कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को क्यों इल्जाम लगाया। कोर्ट में मुकदमा गया और कोर्ट ने केजरीवाल के पूरे इल्जाम को झूठा साबित किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाई साहब रुक जाइए, शटर का रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, हॉस्पिटल है। अरे असद भाई, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है शायद, हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल है, उठाइए शटर फिर हम रुकते हैं, हम केजरीवाल की तरह नहीं है। उठाइए उठाइए, बोले बोलो बोलो, हाँ गेट खोल दो भाई। ओके यू आर हैप्पी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा सामने आ गया। एक और मर्तबा आ गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई मोदी से अपील करता हूं कि हमारी 500 और 2000 की नोट पर हमारे देवी देवताओं की फोटो को लगा दिया जाए। अब आप बताइए, छोटे भाई बड़े भाई को बोल रहे हैं और बड़े भाई देख रहे हैं कि पूरे मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है, यानी भारत का कोई मजहब नहीं है, ये हमारा जो वतन है इसका कोई मजहब नहीं है। अगर कोई खुदा को नहीं भी मानता तो भी भारत उसका है, ये भारत की खूबसूरती और ताकत है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह बताना है कि मैं बड़े भाई से ज्यादा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला हूं। ऐसा लगता है कि किसी जमाने में दोनों बिछड़ गए थे किसी मेले में, एक दिल्ली को आ गया एक गुजरात में रह गए थे। माने ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा कौन मानता है। ये जो आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री है ये 2013 का मोदी है, याद रखो आप मेरी इस बात को। अगर
लिए कह रहा है कि नहीं नहीं, वो भाजप से मुकाबला करने के लिए कर रहा है, तो फिर बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का क्या ओपिनियन है, क्या राय है? मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का खिलाफ हूं, इसलिए खिलाफ हूं कि भारत के संविधान में आईन में आर्टिकल 29 है, 29 है, राइट टू कल्चर एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम मोदी करके ये चाहते ये है कि हमसे हमारी तहजीब को छीन लिया जाए। हमारी तहजीब हमारे मदरसे है, हमारी तहजीब मसाजिद है, हमारी तहजीब हमारा हिजाब बुरका हमारी दाढ़ी है, हमारी तहजीब हमारी किताब है, हमारी तहजीब हर चीज है। जो बीजेपी हमारी तहजीब को खींचना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, तो ये केजरीवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलता है, एक लफ्ज भी नहीं बोलता है। और जो लोग ये कहते हैं नहीं इसमें हिकमत है, अच्छा हिकमत है तो ये बताओ बिल्किस बानो के ऊपर केजरीवाल क्यों नहीं बोलता, बिल्किस बानो के ऊपर केजरीवाल क्यों नहीं बोलता? बिल्किस बानो तो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, और अगर कोई नहीं जानता बिल्किस बानो कौन है तो बिल्किस बानो को 2002 में 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, 3 साल की बेटी थी, साथ में अपने खानदान के 11 साथ या 8 लोग थे। बिल्किस बानो को प्रेग्नेंट होते हुए जालिमों ने उसका रेप असमत रेजी की, उसके बाद उसकी मां का रेप किया और खानदान वालों का रेप किया, उसके बाद उनका कत्ल किया और एक मां के सामने 3 साल की बेटी का सर लेकर पत्थर पर मारकर उस बेटी का कत्ल कर दिया। वो बिल्किस बानो है जिसका मुकदमा मुंबई में चला, और वो बिल्किस बानो पर जुल्म करने वालों को नरेंद्र मोदी की सरकार 15 अगस्त को जब हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे थे, हमारे मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश कर रहे थे, तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गांधी को खराज अकीदत पेश नहीं किया, मौलाना आजाद को खराज अकीदत पेश नहीं किया, अल्लामा फजल खैर आबादी को खराज अकीदत पेश नहीं किया, महमूदुल हसन को खराज अकीदत पेश नहीं किया। मोदी और अमित शाह ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को उसके बेटी के कातिलों के खराज अकीदत पेश किया और उनको जेल से रिहा करवाया। मैं आज भी पूछ रहा हूं, बताओ केजरीवाल बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बोलो बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी राय क्या है? दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्हें पूछा गया बिल्किस बानो के ऊपर, तो कहा हम स्कूल बनाते हैं। पूछा गया बिल्किस बानो का रेप हुआ तो उसने कहा हम टीचर देते हैं, अगर बिल्किस बानो की बेटी जिंदा होती तो शायद वो जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ती रहती हो। इंसाफ जब तक मजलूमों से नहीं होगा दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इंसाफ सबसे होना चाहिए, किसी मजहब का हो किसी जात का हो। ये आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नोट पर ये फोटो लगा दो, गांधी की भी फोटो रखो और ये फोटो भी रखो। अरे तू गांधी के पैगाम को नहीं समझा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 0, बिल्किस बानो पर खामोशी, मगर बार बार ये बोलते हैं कि नहीं नहीं इनके जो चमचे हैं जो ओखला में फिरते हैं, ये जो केजरीवाल छोटा रिचार्ज के चमचे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा को हराना है। मेरे भाई अंधेरे
जहालत का मुकाबला इल्म से होता है। अगर कोई चापलूसी करता है और ये कहता है कि नहीं नहीं मैं केजरीवाल का भक्त हूं, तो तुम केजरीवाल के भी भक्त हो और मोदी के भी भक्त हो तुम लोग, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पहचानिए इन लोगों को कि दिल्ली में जब आप अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के इलाके में आते तो कहते हैं आपसे कि बीजेपी और मोदी को हराना है, जब किसी और दूसरे इलाके में जाते तो कहते हैं कि मैंने यहां पर स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, पार्क बनाया, रोड बनाई, आपको फ्री पानी दिया। अरे केजरीवाल यही जबान तुम ओखला में आकर बताओ, यही बात आकर ओखला में करो, नहीं करेंगे डराएंगे बीजेपी से। याद रखिए कानून सबके लिए बराबर है, बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और आईन सबके लिए बराबर है, कानून मोदी के लिए भी बराबर है, तो इसी के लिए भी बराबर होगा इंशाल्लाह। वो गए डराने के दिन हमारे जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है। और अगर आपने देख लिया, आपने देख लिया कि जब फसादात के बाद जब बच्चे जेल में थे तो क्या कोई केजरीवाल का आकर उन बच्चों की क्या उन घर वालों की पूछा हालत कैसी है? आपने हालात का मुकाबला किया। और आज जो लोग केजरीवाल के चमचे यहां पर फिरते हैं उसकी गुलामी करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो। खालिद सैफी जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, और खालिद सैफी की बीवी, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ रोते हुए वीडियो जारी करती है कि खालिद जेल में बीमार है, अगर इलाज नहीं होगा तो खालिद को कुछ हो जाएगा। बताओ केजरीवाल के चमचो, तुमको खालिद की तकलीफ याद नहीं आई? तुमको खालिद की पत्नी की फरियाद तुम्हारे दिल को नहीं पिघलाई? अगर तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल होता तो तुम खालिद की बीवी की तकलीफ को अपनी बहन की तकलीफ समझते। मगर आप देखो, ठहरिए ठहरिए, अब देखो आप केजरीवाल का असली चेहरा। उसका मंत्री जेल में है, खालिद से बड़े इल्जाम में ईडी के केस में, खालिद को जेल में इलाज नहीं होता, बीवी रोती है, मगर केजरीवाल के मंत्री के पैर पर तेल लगाया जाता है, हाथ पर तेल लगाया जाता है। कितनी तकलीफ दे बात है कि उसका नाम खालिद है, इसका नाम जेल है, तो नाम के ऊपर भी ना इंसाफी की जाती है। ये आपको सोचना है कि जेल में भी इंसाफ नहीं हो रहा, जेल के अंदर भी इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो केजरीवाल का मंत्री है तो उसके हाथ को तेल लगाया जा रहा है, पैर को तेल लगाया जा रहा है, खाना लाकर खिलाया जा रहा है, और वो खालिद बीमार पड़ा है जेल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फैसला आपको करना है 4 तारीख के दिन। अब रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी बहुत बूढ़ी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो नेता है, 15 साल आपने कांग्रेस को सत्ता दी थी दिल्ली में, 15 साल, अब बताओ कौन सा नेता दिल्ली में है उनका? रोड पर नजर नहीं आता उनका नेता, पूरे भारत में पैदल फिर रहा है, पैदल 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 पैदल। चुनाव गुजरात में है भाई साहब, मध्य प्रदेश में है, कैपिटल दिल्ली में लड़ाई चल रही है, भाई साहब बता रहे हैं कि कैसे आरएसएस से बैठकर मुकाबला किया जाता है।
तो कांग्रेस को वोट देना वोट जाय करने के बराबर है। अब कांग्रेस में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखना। कांग्रेस अब म्यूजियम में नजर आएगी, हमारे अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, ये इनकी फोटो है। वो उस जमाने में ऐसा करते थे, अबे तू क्या कर रहा है, ने मैं फोटो लगा के खुश हो दादा। ये कांग्रेस पार्टी है। तो आपको लड़ने वालों की जरूरत है, ओखला से इंसाफ करने वालों की जरूरत है, और हमारा ये भाई आरिफ सैफी आपके सामने खड़ा है। 5 साल पहले आपने वोट नहीं दिया, ये आज भी आपके सामने आया है, आपसे अपील कर रहा है कि ओखला के लिए आप मजलिस को कामयाब करिए, ओखला के कचरों को साफ करने के लिए आप मजलिस को कामयाब करिए। और कचरे 2 किस्म के हैं, कचरा 2 किस्म का होता है, 2 टाइप, 1 पॉलिटिकल गार्बेज, 1 एक्चुअल गार्बेज। यानी एक जो अहले हदीस मस्जिद के सामने जो कचरा है उसको निकालना, एक जो पॉलिटिकल गार्बेज है, सियासी कचरा है, छोटे रिचार्ज का, उसको भी साफ करना। तो दोनों को साफ करना है आपको, करेंगे ना आप, करेंगे ना आप, करेंगे ना आप। अरे और जोर से बोलो प्यारे, और जोर से बोलो, दोनों कचरों को साफ करेंगे। ओखले में पानी की लाइन आएगी, पानी की लाइन आएगी, अस्पताल बनेगा, अस्पताल बनेगा, बनेगा। इंशाअल्लाह ताला, तो आपने फैसला कर लिया कि 4 दिसंबर को ओखला के आसमानों पर क्या नजर आएगा, पतन, क्या नजर आएगा, पतन, हम क्या करेंगे, करेंगे। तो 4 दिसंबर के दिन मजलिस को कामयाब करिए। आपका बेहद शुक्रिया, और सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनता है जो एनआरसी में एकदम डिसिप्लिन की तरीके से रहा करती थी। मैं अपील करता हूँ।